एक सल्तनत, सल्तनत का बादशाह, बादशाह बहुत दाना, अकल के ऊपर पूरा पूरा अबूर, जहन को इस्तेमाल करने वाला। उसने ऐलान किया कि मैं अब शादी करना चाहता हूं और मैं अपनी रियाया में से ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो शक्लो सूरत में इतनी कोई खास ना हो, मेरे जैसी हो, आम सी। अब जब उसकी सल्तनत की लड़कियों को ये पता चला कि बादशाह सलामत ने शर्त रख दिया, तो लड़कियों ने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया। कुछ ने नहाना छाड़ता, कुछ ने मुंह धोना छाड़ता, कुछ ने कपड़े बदलना छाड़ते। जनाब हालात बड़े नासाज हो गए। अब जब वो रोज आया जो कि फैसले का रोज था, पूरा का पूरा दरबार, महल लड़कियों के हुजूम से भर गया। अब सब पे ध्यान गया बादशाह सलामत की। अचानक से एक लड़की पे नजर पड़ी, हसीन और जमील, खुशबुएं दूर दूर तक जा रही हैं, जुल्फें रेशमी, खूबसूरत आंखों में सुरमा, साफ सुथरी। अब सबकी नजर पड़ी, सब ने ही सोचा कि बादशाह सलामत अभी इसका सर कलम कर देंगे। बादशाह सलामत ने तलवार निकाली, उस लड़की के गर्दन के पास तलवार लेके गए और कहने लगे, तुम ही मेरी दुल्हन हो। उसने कहा, बादशाह सलामत ये क्यों? उसने कहा, मैंने ये चेक करने के लिए टेस्ट दिया था, सफाई निस्फ ईमान है। ये लड़की अगर किसी के प्रेशर में नहीं आई और इसने सफाई और ईमान पे यकीन रखा है, तो ये लड़की इस बात के लिए क्वालिफाई करती है कि ये मेरी दुल्हन हो। तुम मेरी दुल्हन हो और वो लड़की मलका बन गई। जनाब किसी भी प्रेशर, डिप्रेशन, दिल टूटने के बोझ के नीचे आके अपनी सफाई सुथराई, नहाने धोने का ख्याल मत छोड़ा करें। सफाई निस्फ ईमान है और ईमान सबसे जरूरी है। मजाक रात में, दुनिया न्यूज की तरफ से, इन लेजेंड्स की तरफ से और सामने खड़े रुहाम की तरफ से और आपके इमरान की तरफ से खुश आमदीद। शेर कम मम्मा बॉय। आए आए मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाओ। ये तनंग 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 ओए अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। सरदार साहब जी, इसी तरह की ऑफर सरदार साहब के लिए भी आई थी। अच्छा, एक मुल्क की मलिका ने कहा कि मैं शादी उससे करूंगी जो बिल्कुल सादा तबीयत आदमी होगा। अच्छा, कोई फैशन नहीं करेगा, मासूम होगा। सरदार साहब चले गए, अरे कले बंदे सन, होर कोई शामिल ही नहीं होया। क्यों? उनके इस तो मासूम बंदा नहीं होएगा। मलका ने भी तलवार कढ़ी, उन्हें कहा किन्ने दिन हो गए तुम नहीं नहाते हैं? उन्हें कहा जी तुहाडी वजह तो महीना हो गया। उन्हें सिपाहियों ने कहा इन्हू बन के नुआओ। शादी ते हुंदी रहेगी तो साफ ते हो। ਹਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 25-30 ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹਨੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ ਤਲਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਲਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਲਕਾ ਹੈ ਨਾ ਖੂਹ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਮੀਂਹ ਵਸਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਗੁੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। लोगों के लोग मद्दा होते हैं,
खवातीन मदा होती हैं, मर्द मदा होते हैं, बच्चे मदा होते हैं। आज वो शख्सियत हमारे सेट पर मौजूद हैं जिनकी पाकिस्तानी धरती मदा है। इनके लिए जोरदार तालियां। हम ये मुहावरे सारी जिंदगी सुनते रहे, खिड़की तोड़ रश। खिड़की तोड़ रश का असल मतलब, असल एक्सपीरियंस और असल वजह अगर किसी को कहा जाए तो वो शख्सियत मेरी खुशकिस्मती आज मेरी आंखों के सामने बैठी हैं। वही हुस्न जो सालों पहले था, वही हुस्न जिसने पाकिस्तानी बड़ी स्क्रीन को हुस्न बख्शा, उसके हुस्न में इजाफा किया, पाकिस्तानी फिल्म की खूबसूरती, पाकिस्तानी फिल्म की अदाकारी की खूबसूरती, पाकिस्तानी फिल्म का हुस्न जब भी आज से लेके अब तक जब भी उस हुस्न का जिक्र आएगा, सरे फहरिस्त जो नाम आएगा वो हमारी आज की मेहमान है। जोरदार तालियां। एक गाना चलेगा, उससे पहले रेड कार्पेट बिछाया जाए। नहीं, तारीफ का तो अभी ते भी शुरू नहीं हुआ, और भी बाकी है। अभी बाकी, अभी तो शुरुआत भी नहीं है। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट, प्लीज प्लीज। क्या बात, क्या बात। अभी जितना हुआ मैडम जी, ये तो आपकी पहली 10 फिल्में नहीं है। हाय, वाह वाह वाह। आपकी तारीफ के लिए सिर्फ एक पूरा शो बनता है दुनिया न्यूज की तरफ से, ये हमारी तरफ से। हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से, इन तमाम हाजरीन की तरफ से, वेलकम टू मजाकरात। गौतम जी, मुझे तो बड़े अरसे से इंतजार था। अच्छा? मेरा पूरा घर आपका फैन है, और आपके लिए एक शेर। अरे भाई, वो घर बता जो इनका फैन नहीं है। इतनी हसीन पहले कोई कम कम आई है, आए आज आई तो खुशी से आंखें नम नम आई है। आज उजाला हुस्न का यहाँ पर छा गया, क्योंकि आज यहाँ पर देखो शबनम आई है। आए। आए। थैंक यू, वेलकम टू द शो। और भी शेरे शुक्र है लादा, तुसी सुनाओ। कल बतक ना सेल्फी बना रहा, कैसी आई सी? और पहला बंदा जी दी सेल्फी ली ना, बतक नीवी हो रही सी। इमरान भाई सखावत साहब ने कमेटी डाली। अच्छा, अच्छा। और वो इनकी लक कि वो पहली कमेटी इनकी निकल आई। अच्छा। ये खुश, ये एक एसी ले आए। अच्छा। इन्होंने दिन रात एसी चलाया, दिन रात एसी चलाया, बिल भी इन्ना आ गया, फिर एसी बेच के बिल तो आ रहा। कलियों जैसी लड़की जिसका नाम झरना,
झरना से शबनम का सफर कैसे शुरू? मैं 1958 में फिल्म लाइन में ज्वाइन किया, उस वक्त मेरी एज आई थिंक 14-15 थी। बंगाली फिल्म से स्टार्ट किया मैंने और फिल्म में आऊंगी कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, आप क्या करना चाहती थी उस वक्त? पढ़ते थे, स्टूडेंट थी, हर औरत हर लड़की सोचती थी पढ़ाई खत्म करूंगी, कोई माँ बाप की खिदमत करूंगी, शादी होगी, घर होगा, बच्चा होगा, जो हर लड़की सोचती थी वही मेरी ख्वाब थी। ये इत्तेफाक से मैं एक बंगाली फिल्म में एहतिशाम साहब जो वहाँ का डायरेक्टर बहुत बड़ा डायरेक्टर था जिन्होंने मुझे लाए। उन्होंने आपको कहाँ देखा? मेरे डैडी के दोस्त थे। अच्छा। एक्चुअली मुझे डांस का शौक था, मेरी बड़ी बहन थी एक, वो सीखती थी, उनको देख कर मैं करती थी। तो मेरी डैडी कहती इसके अंदर ज़रूर कुछ है, ये देख देख के सीखती है। मेरी बड़ी बेटी के लिए टीचर रखा, वो कुछ भी नहीं करती ना, उनके अच्छा। एक दिल में था कि ये इसको कुछ आता है। तो उन्होंने इनको डैडी को रिक्वेस्ट किया, कहीं देखा था मुझे फंक्शन में, तो उन्होंने कहा तू बेटी को देख, बंगाली फिल्म बना रहा हूँ उसमें हीरोइन। तो मेरी डैडी आके बताते, मेरी मम्मी नहीं देखी, कहते नहीं ये कुछ नहीं कर सकते। मैं ज़रा टॉम्बॉय टाइप की थी, पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना और लड़कों अलग गेम। अच्छा मैडम जी, जिस तरह आपने कहा कि आपको डांस का शौक था, सरदार साहब को भी डांस का शौक था। अच्छा, फिल्म मिली कोई नहीं, मौत देखू चार मिले। अल्लाह की रहमत, चार मेरे पास मौत देखू ने, ऐ मेरी लेबर बैठी है। अच्छा, बंगाली फिल्म हो गई आपकी? हो गई, और रिलीज हुई और वो सुपर टूपर, लोगों ने इतना पसंद किया वो पिक्चर। फिर एहतिशाम साहब भी सोचा कि क्यों नहीं हम इस पाकिस्तान में उर्दू पिक्चर बनाए। तो दो फिल्म बनाए उर्दू, एक चंदा एक तलाश। वो पिक्चर भी सुपर हिट हो गई, यहाँ लगी, यहाँ पे भी सुपर हिट हो गई वो फिल्म। अच्छा, फिर यहाँ से बुलाने लगे कि आ जाओ तुम। क्या फॉर्मूला था आपके पास कि जिस फिल्म के अंदर आप आती थी वो फिल्म सुपर हिट हो जाती थी? मैं कहती हूँ बता दूँ, आप किसी को अब नहीं बताए, मगर हम किसी को नहीं बताएंगे। आप जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपने भी किसी को नहीं बताना, ठीक है? बंगाल का जादू सुना है जी? हाँ। वो बंगाल का जादू चला दिया। मैम आपको बहुत बहुत वेलकम मज़ाकरात में। ऐसे नहीं ना, ऐसे। और हमारे ये खुश नसीबी है कि हाय 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 अच्छा, आपको देख के हर बंदा या नदीम साहब बनने की कोशिश करता है या वहीद मुराद साहब? और वहीद मुराद कोई नहीं बने, नाम मुराद दो बन गए। मैं मैम के पास आके उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल जरूर जरूर, जरूर। लेकिन उन्हें को पूछ लो टूटा ट्रिब्यूट है कि नहीं। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਜੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਝਕੋ ਮੈਂ दे सकूंगा फिर भी ये वादा है तुझसे तू जो करे प्यार मुझसे छोटा सा घर तुझको दूंगा दुख सुख का साथी बनूंगा सोना न चांदी न कोई महल जाने हम तुझको मैं दे सकूंगा। जवाब में आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं, शादी के बाद अच्छा उन्होंने काम किया, मुझे पसंद आया। आपने फिर क्या सोचा मैम? कोई कहानी लिखे आप मेरे ऊपर फिर काम करेंगे? क्या अच्छा गाना गाया, सोना ना चांदी ना को महल मैं तुझको दे सकूंगा। आज के दौर च किसी खातून ने कहना ना उन्हें नस जा कंगड़िया तेरी लता भरने। चले सर हाजी कोशिश कर रहे हो मेरे को उठे।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਘਰ ਤੁਝਕੋ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਓਏ ਉਹ ਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ मेरी मोहब्बत है अम्मी हुजूर मैं शबाना कि मेरा जिंदा नहीं रह सकता मेरा पहला पुत्र है जेड़ा मेरे नालों 1.5 साल वड्डा है क्वीन ऑफ पाकिस्तान इज सलमा शबनम जी और आप लोग देख रहे हैं मजाक दिल लगी मैं सी दिल को लगी के दिल खो गया मेरे दिल खो गया किसी का दीवाना ये दिल हो गया ये दिल हो गया रे मना मबा मगर साथी लगी क्या बात बातों बातों में ऐसी बढ़ गई बात रे उनके ही ख्वाब देखूं मैं तो दिन रात रे नींद गई ने मेरा चैन गया रे दिल खो गया आए रे दिल खो गया किसी का दीवाना ये दिल खो गया ये दिल खो गया शबनम जी इस खूबसूरत गीत के साथ आपकी कोई याद मुंसलिक है अगर है तो आप सुनाएंगी शुरू शुरू का था ये मुझे उस वक्त इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती थी सच्ची बात है फिर चुपके से जाके डार साहब थे असलम डार साहब डायरेक्टर पूछती थी इसकी मीनिंग्स क्या है तो उन्होंने मुझे इजी करके बता देते कि इसका मीनिंग्स ये मैंने कहा फिर उस तरह काम करते थे लेकिन कभी भी आपके चेहरे के किसी तासुर ने ये बात जाहिर नहीं होने दी कि उर्दू आपकी लैंग्वेज नहीं है ये कमाल कैसे आया मेहनत किया अल्लाह का भी बहुत शुक्र है आज मैं जो कुछ हूँ आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से शबनम बनी हूँ और यहाँ बैठी मज़ाकरात की आप जब परफॉर्म करती थी जब डांस करती थी तो सिर्फ हाथ पैर नहीं आपकी आंखें आपके चेहरे का एक एक बॉडी रिदम की जरूरत रिदम के साथ रक्स करता था और आपकी आंख और चेहरे की जो लिपसिंग थी वो बाकमाल थी उसका कोई सानी नहीं था अगर हम एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करें अगर आपका कोई गाना गाया जाए और उस पे आप हल्की सी लिपसिंग आज अगर सबके सामने कर दे तो क्या कहते शबनम जी आज फिर पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन पे अपने एक्सप्रेशन के साथ राज करते रूठे हो तुम तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो ना बोलो ना रूठे हो तुम तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो पर जितने गाने फिल्माए गए उनमें सबसे ज्यादा पसंद गाना कौन सा था ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे ऊपर बहुत अच्छे अच्छे मुझे गाना मिला है और मैं सिर्फ एक गाना या दो गाना कहूँ बहुत और रॉबिन साहब के तो बहुत सारे गाने हैं जो और सारे के सारे सुपर हिट इंतजार 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 बहुता यकीन करना ते अपने आप नूं अग ला ला मैडम सच में शुक्र है आप मुझे मिल गई आज एक गलत फहमी दूर कर दें क्या क्या वाकई मेरी शक्ल नदीम बेग साहब से मिलती है क्या चश्मा लाना ही भूल गई मैं मेरी शक्ल मैडम नदीम साहब से मिलती थी फिर वो बंगाल का जादू मुझ पे चला अच्छा, अच्छा, अच्छा। सारा खानदान बांग्लादेशी है अच्छा। और आज तक मच्छी नसीब नहीं हुई इंतजार 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 जिसे देखो वो इंतजार की कैफियत में मुब्तला है हर किसी को किसी ना किसी का इंतजार है यूं तो वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है
लेकिन इंतजार की घड़ियां बड़ी सुस्त और बोझल हैं, लिहाजा किसी को इंतजार ना करवाया करें। इस पे मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है मैडम। इरशाद इरशाद, कुछ तेरे इंतजार ने मारा। हाँ हाँ हाँ, कुछ मुझे उधार ने मारा। कुछ तेरे इंतजार ने मारा, कुछ दिले बेकरार ने मारा, कुछ गमे दिल ने कर दिया मजबूर, कुछ गमे रोजगार ने मारा, गुर्बत ने घेरा है किस तरह खर्चा चले, चप्पा चप्पा चार खा चले। की बात कर रहा हूं, वक्त एक जैसा नहीं रहता। कुछ महफिलें आपके जाने से शुरू होती हैं, हाँ हाँ। लेकिन एक वक्त आता है कि आपके बगैर भी शुरू हो जाती है। नहीं नहीं, ये रोना अच्छा नहीं। चले मैं रोता नहीं, लेकिन एक मैडम मैं वो सबके साथ करता हूँ, अगर इजाजत दे तो मैं कुछ हरकत करूँ। जी जी बिल्कुल। मैडम, मुझे आपका सच में दौर बचपन था, बचपन का दौर याद आ गया, वो गेमें भी याद आ गई जब हम बचपन में करते थे, जैसे आशा फिल्म देखनी बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि किसी को जानबूझ के इंतजार ना करवाया करें। मुझे दो चीजें बहुत बुरी लगती हैं, एक इंतजार और एक सफाई। एक इंतजार और एक परफ्यूम। एक इंतजार, एक अपनी रंगीन फोटो। एक इंतजार और दूसरा नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट। ओह, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। और ये मैंने एक शेर और लिखा है, ख्वाहिश इंतजार और यकीन, बस बसे बेशुमार और यकीन, और यकीन, तीन अरकान हैं आदमियत के, आजजी इनकसार और यकीन, मगर इंतजार के अलावा कोई काम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं बाबा। यकीन करो, इस फिल्म च जो गाने चाहते थे इस तरह फुल लाए होते सन, और हॉल च खुशबू फील होने लग पैंदी सी। मेरा ख्याल तुसी किसी पार्टी स्क्रीन च फिल्म देखते हो। फिल्मां वेखियां ने, एक बार सुल्तान राज साहब ने स्क्रीन ते आ गया, मैं सारे चवल मार देगा भाई, मैं तुहानू की वो एक गाना अगर आप खुद गुनगुनाए, मेरा दिल चाह रहा है। कौन सा है? अपने वतन से प्यार हमें। मैं अगर गाना गाती, मैं सिंगर ना, रॉबिन साहब मुझसे ना गावाते, रॉबिन साहब तो घुसते ही नहीं देते। रॉबिन साहब ने मौका ही नहीं दिया मुझे गाने। अच्छा मैडम, मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे, कि कभी जिंदगी में आपने रोबन घोष साहब से ये पूछा हो कि आपने मैडम नूर जहां को क्यों नहीं गुआया? हाँ, वो मेरे काम पे कभी दखल नहीं देते थे, मैं भी उनके काम पे कभी दखल नहीं देते। हम दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि तुम अपना काम करोगे, मैं अपना काम करूंगा। आपने हमेशा दिलों पे राज किया, ये आखिरी शेर मैंने लिखा है। ज़र्फ़े शबनम से जल गए आंसू, मोम बन के पिघल गए आंसू, चांदनी तुझ में खोई खोई है, कहकशा बन के ढल गए आंसू, आज मेरी बात दिल में उतार, सजना भूल न जाना मेरा प्यार, मेरा प्यार, मेरा प्यार। हेलो 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 हेलो, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे चल रहा है आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसे कहते हैं मजाक रात। मेरा ख्याल है तुझे फैसल रहा, मैंने शेखुपुरे तक छड़ गया है। राम भाई, आज जब मैं शो के लिए आ रहा था घर से, तो अम्मी ने पूछा कि गेस्ट कौन है, तो मैंने कहा शबनम जी।
तो बड़ा खुश हुए और उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मेरे नाना जो कहते वो जब सिनेमा में मूवी देखने जाते थे उन्होंने बताया कि शबनम जी जब स्क्रीन पे आती थी तो लोग पैसे वार के फेंकते थे स्क्रीन पर। ऐसे चाहने वाले तो ये बैठे हैं, क्या बात, लोग पैसे वार के सुटते से चुकते। शबनम जी जब ऐसी बातें आपको पता चलती थी तब क्या रिएक्शन होता था, क्या महसूस करती थी, और आज जब वो सारी बातें दोहराई जाती हैं। सच्ची बात है, अभी ये बातें सुनने के मेरे ऊपर पैसे पे खुशी, वो मैं कैसे फीलिंग्स बताऊं आप, महसूस करने वाली बात है। आप महसूस करें, अगर आपके ऊपर कोई स्क्रीन के ऊपर पैसे फेंके आपकी पिक्चर देख कर तो आप क्या फील करेंगे? मुझे बहुत खुशी होगी। सेम विथ मी। ऐसा हजारों लोगों की यादों का तो आप हिस्सा हैं, रही फैंटेसी का हिस्सा रही, कोई अपने करियर की ऐसी याद जब वो आती है तो आपका दिल करता है कि काश के वो वक्त दोबारा से शुरू हो जाए और आप उसी वक्त में चली जाएं? बहुत मुश्किल है, अपनी मुझे कितने साल पीछे जाना पड़ेगा याद करने के लिए। आप कहें तो मैं आपका हाथ पकड़ के साथ ले जाता हूँ। मेरी फिल्म दोस्ती लगी थी। अच्छा। दोस्ती चल रही तो दोपहर को मेरी डाक के जगाया, बेगम साहब उठे 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 कुछ औरतें आपसे मिलना आई हैं। मैंने कहा मुझसे क्यों? कह रहे पता नहीं वो 8-10 औरतें आपसे मिलना है। मैंने कहा उनको बैठा पानी में पीनो, मैं आती हूँ। तो मैं नीचे आई, मैं गई, कह रहे कि आप शबनम है? मैंने कहा जी हाँ। कह रहे मुझे यकीन नहीं आ रहा जो अभी कह रहे थे ना। मैंने कहा मुझे छू के देखे तो एक मेरी बुजुर्ग दानी अम्मा की तरह वो आके मुझे छू के देखती है, कह रहे हाँ आप शबनम है। तो मुझे आंसू आ गए थे ना खुशी के मारे, पानी से। मैंने कहा देखो कैसे कैसे हमें प्यार करने वाले मिलते हैं लोग, मोहब्बत करते हैं। आंसू हमने आज भी आपकी आंखों में देखे, आंखों में, ये आपके शो के वजह से हंस हंस के मेरी जो है ना आंखों में आंसू आ रहे। शबनम जी जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे लोगों के रवैये भी गुजरते हैं। उस वक्त में और आज के वक्त में लोगों के रवैये में कोई फर्क आया? ऐसा मुझे नजर नहीं आया, ना मेरे साथ कोई फर्क है, ना झगड़ा है, ना लड़ाई है, सब मेरे साथ प्यार मोहब्बत से काम किया, मैंने भी काम किया, मुझे कोई ये नहीं लगा। क्या बात, क्या बात, बात। जिस तरह आपने बताया कि आपको उर्दू भी ठीक से नहीं आती थी तो लास्ट टाइम पे आपने पंजाबी फिल्में भी की 2-3। बहुत मुश्किल था मेरे लिए मगर किया और पब्लिक ने पसंद किया, मेरी किस्मत अच्छी। नहीं माशाल्लाह लैकिंग तो आपकी उसी तरह रही, लेकिन आपको कैसा लगा पंजाबी बोलना वो उर्दू से भी ज्यादा मुश्किल? जैसे कहते हाथ पांव कांपते थे मेरे भी सेट पे जाके याद कर करके कि भूल ना जाऊं, भूल ना, सामने राही साहब है या ना पंजाब के इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट होते थे, यूसुफ खान साहब, खान साहब होते थे, पता नहीं अल्लाह ने करम किया पास हो गई उधर से भी। क्या बात, क्या बात। पंजाबी में कुछ बोल के सुना दे अगर। मैनू नहीं आंदी पंजाबी। मैम बहुत सी हीरोइंस ने आपका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की, डायलॉग में सॉफ्ट सा अंदाज था, क्या कि हीरो को आप कुछ कहती थी वो पहले मरने अंदाज बेचारा। राजा जी तुमने अपने माँ बाप से मेरे और अपने रिश्ते की बात करोगे? मैंने की थी, कहते नयन दे कुड़ी गंजी हो गई। मैं तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराती हूँ। मामा इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ। कर ले पुत्र, स्यापा ही पहना पाला है। शबनम जी आजकल का काम देखती हैं? मैं रिसेंटली कोई मूवी नहीं देखा है। अच्छा, हमारा शो देखा आपने? जी आपके शो देखा है काफी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बोल के आई हूँ। और अगर मैं आज आपके सामने एक रिक्वेस्ट करूं कि मैं भी पाकिस्तान का एक छोटा मोटा टूटा बजा सा हीरो हूं, अगर मैं आपको अपने साथ हीरोइन लेना चाहूं तो क्या आप कबूल करेंगी? क्यों नहीं, अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा होगा। आपका कैरेक्टर तो अच्छा ही अच्छा होगा, सारा का सारा ड्रामा या फिल्म आप पर बेस करेगी। मेरा कैरेक्टर सिर्फ ये है कि मैंने बैठ के आपको यूं देखा। इतने हीरोज के साथ काम किया, आपकी केमिस्ट्री किस हीरो के साथ ज्यादा अच्छी थी?
ये आप लोग बताएंगे, पब्लिक बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। आपको कौन पसंद? मैं तो यही कहूंगी नदीम का ही नाम। क्या? अरे क्या बात है भाई साहब, एक आपसे हम फड़कता हुआ सवाल करना चाहते हैं, अगर आप हमें इजाजत दें। मैं आपके पास आके जवाब लेना चाहूंगा, क्योंकि जब भी मैं आपसे कोई सवाल करता हूं जिसका आप जवाब नहीं देना चाहती हैं, आप नीचे देखना शुरू कर देती हैं। नहीं, नहीं। मैं नीचे ही आके बैठ जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मुझे बताइए। जरूर बताऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, ये किसने और क्यों लिखा था? मेरा मियां को जाके पूछना पड़ेगा क्यों लिखा था। मुझसे प्यार करता था बोल के लिखा था। क्या बड़ा ही खूबसूरत था। क्या बात, क्या बात। फिर अगर दो बोल उसके सुना दिए जाएं। प्यार भरे अस्कर मेहदी साहब आ जाएंगे। आप यकीन करें कि मेरे ख्याल में मेरे घर पर रिहर्सल एवरी रात मेहदी साहब आते थे, 6 या 7 रिहर्सल मेरे सामने। रॉबिन साहब कहते कि देखो इनके, मेरा मतलब खूबी देखो, इतने बड़े आर्टिस्ट आए, 7 डेज हो गए रिहर्सल कर रहे, अभी भी कहते मेरा ठीक नहीं हो रहा है, आप जिस तरह गाते हैं वो मैं नहीं कर पा रहा। कितनी बड़ी बात है। ये आपने आपने इनकी आवाज़ सुनकर तो मैंने साथ मेहदी साहब आपको याद है आपके घर में कितनी रिहर्सल होती रही है इस गाने की? मैं 2 बोल आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। याद है, प्यार भरे दो शर्मीले बस करे, रॉबिन साहब आ जाएंगे। अपने लिए तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेहर। क्या करती हैं? आईकॉम स्टूडेंट। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं जिंदगी में? फैशन डिजाइनर। ओ वाह, सरदार साहब के लिए डिजाइन करेंगी कुछ? जी कर दूंगी। थैंक यू। लेकिन इतना दुखी होके क्यों? क्या कहना चाहती हूँ? मैं मैम की तारीफ में कुछ कहना चाहती हूँ। मैम हमारे यंग जनरेशन के लिए ना रोल मॉडल हैं। क्या बात? और मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारी फैमिली में ना मैम को मतलब इंटरव्यू बार बार रिपीट देखे जाते हैं, और मैम के गाने भी, अरे और मैम की इतनी तारीफ होती है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। मुझे आपका ड्रामा वो भोले वाले पसंद था, ठीक अच्छा। है टैक्स से बिस्पिल पसंद था, ठीक है नमक इस वाला देखती हूँ, ठीक है ठीक है वो वाला नमक हराम, नमक हराम वो भी ठीक है। अब मैं मैम के लिए जरा थोड़ा सा बोल लूँ। बोले बोले बोले। मैम मैंने आपको देखा वह शो में, ठीक है, और लाइव आप ज्यादा प्यारी हैं, ठीक है लाइव बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, और आज आपका जो मेकअप है वो तो बस ही मैं कुछ कह ही नहीं सकती, क्या बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा, और आपको फूल जो है तो बस ही ठीक है, कमाल है कमाल है। अरे क्या बात है, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने का, ठीक है, और आपका भी थैंक यू, ये भी ठीक है। मैं आपकी भी फैन हूँ बहुत बड़ी, और मेरी मामा भी बहुत बड़ी फैन है आपकी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सखावत साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा। ये इतनी मजे की जुगते लगाते हैं। एक पुराना बहुत ही पुराना ड्रामा था इनका, वो जो ख्वाजा सराह का था ना सारा, जी जी, तो वो जब उन्होंने सारे वो कर रहे थे मजाक वगैरह, आप भी छोटे सराजा खा थे। आपने बात बोली, हाय बाजी मैनू की पूछनी है, उन्हें क्या की, मैं बड़ी दुखी सा, मैं निकी जी सा ते मेरी मां मर गई, मैं वड्डा होया ते मेरे अबे दी बांह सड़ गई। उन्हें क्या तेरे प्यो नु किन्ने क्या सी पकदी देख चू बोटियां ने। ये तो पूरा पूरा याद है। चले जरा चले अब
अब आपकी इतनी बड़ी फैन आई है तो जरा आप जरा परफॉर्म करके दो लाइनें के जरा दिखाना करना है। चलने बाजी तेरी साल गिरा छेती छेती मोमबत्ती ला ऐ हुण मोमबत्ती बाली ते बाजी मोमबत्ती दा धागा है नहीं इहदी टेंड कराई इहनू अग लाउणी ते अग ही लाउणी है सेल साहब कह रहे अग ही लाउणी है अग लाई चल बाजी मोमबत्ती बल गई ते सेल साहब कहिंदे होर इहनू फूक मारनी ते फूक ही मारनी बाजी होर इहनां रेहड़ियां पैक करनियां जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं। बिस्मा। मैं मैम से बात करना चाहती हूँ। करें। माशाल्लाह जैसे इनको मूवीज में देखा है तो रियल में उससे भी ज्यादा प्यारी है। माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा प्यारी है। थैंक यू। कि मैं बात करते वक्त कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या बात करूँ। एक आपसे मेरा सवाल है कि इस दुनिया में रुलाना तो हर कोई रुला देता है लेकिन हंसाना बहुत ही मुश्किल है, आपने ये फन कहाँ से सीखा? मुझे ऐसा लगता है कि हंसाने का एक ही फॉर्मूला है, उसके लिए एक रास्ते से गुजरना पड़ता है, उस रास्ते में आपको एक सबक मिलता है, वो सबक है दूसरे की खुशी में खुश होना। जब आप लोगों की खुशियों में खुश होने लगते हैं तो आपको हंसाना आता है। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह शबनम जी इस शो में आई हैं, मैं तो इनको देख के इनका फ़ैन हो चुका हूं कि जैसे कि सिस्टर ने कहा कि स्क्रीन पर देखते हैं तो रियल में देखने में उससे भी ज़्यादा हसीन है। क्या बात। तो मैं एक शेर मैडम जी के लिए गा रहा हूँ। पंछी गा गा के आखिर उड़ जांदे एथे सदा बहारां न रहंदियां ने। पंछी गा गा के आखिर उड़ जांदे एथे सदा बहारां न रहंदियां ने। बाग हुंदा सदा बागां वादियां दा इनू समझ ना बैठी जागीर अपनी असा सोच किसी की होया मत मार गई तदबीर अपनी। क्या बात है, क्या बात है। आपके सुर बा कमाल हैं, ये इमरान अशरफ का ख्याल है। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। हीरो। वालेकुम सलाम शहजादा। इमरान भाई क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, मेरे भाई का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। नाम? बिलाल अहमद। इतने प्यारे हैं आप। थैंक यू। इतनी खूबसूरत आंखें, आपकी वालदा ने दुआ मांग के लिए? जी जी बिल्कुल। अरे क्या बात है। बिलाल साहब क्या कहना चाहते हैं? इमरान भाई मैंने आपका वो ड्रामा देखा था रक्से बिस्मिल, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। वो जो आपने जोहरा को पार्टी में से बाहर निकाल के लेकर आए थे तो आपने वो जो आपने डायलॉग बोला था मोहब्बत करता हूँ तुमसे, वो एक बार हो जाए जरा। अरे तुम्हारा हुलिया, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा पर्दा देखकर तो तुम पे कुर्बान हुआ था मूसा। शुक्रिया। क्या बात। आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। शेर सुनाना चाहता। मेरी जान मेरे प्यारे, एक करोड़ शेर सुनाओ। आग सूरज में होती है, जलना जमी को पड़ता है, मोहब्बत निगाहें करती हैं, तड़पना दिल को पड़ता है। आए। क्या बात है। मेरी जान आपके आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहे सर, जीते रहे। आपके शबनम जी। जी बोलिए। I love you, we love you, whole nation loves you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं दो लाइन बोल के जाना चाहती हूँ, खत्म हो रहे हैं। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, बड़ी दुनिया को वीरान पाओगे जब हम नहीं होंगे। आए, 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 आए,